بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم لوك يار بنائے जग उत्ते कोई झूठा ते कोई सच्चा है दुख सुख विच जेड़ा कम आवे ओह यारी दोस्त तो अच्छा है पर कोई यार नहीं बंदे दे नाल मरदा पावे जिन्ना भी होवे ओ पकाए ओ कबर हशर विच जिन्ने काम आउणा इको यार दोस्त तो रब सच्चाए अल्लाह पाक ने इस कायनात दे हर इंसान वास्ते जिहड़े आलम बनाए ने वो सत आलम ने एक लफज हुंदा है आलम एक लफज हुंदा है आलिम आलिम लाम दे कसरे नाल यानी लाम दे थले जेर ला के आलिम पढ़िए ते उदे तो मुराद खतीब कर लो शेखुल हदीस कर लो कोई भी आलम दीन कर लो ते जदों लाम दे उत्ते जबर होए आलम होए ते उदे तो मुराद कायनात हुंदी है जहान हुंदा है ते मैं आलिम दी गल नहीं कर रहा मैं आलम दी गल कर रहा इंसान वास्ते अल्लाह पाक ने सत आलम बनाए ने यानी सत जहान बनाए ने केड़े केड़े आलम अरवाह और आलम बतून आलम दुनिया आलम रुकिया आलम बरजख आलम हशर और आलम जन्नत किन्ने हो गए सात हो गए आलम अरवाह तो मुराद वो आलम है जिदे च साडियां रूहां ने कुछ ऐसे इंसान ने जिहड़े हजे तक पैदा नहीं होए उन्हां पैदा होना है वो कित्थे ने वो आलम अरवाह च
कुछ ऐसे इंसान ने जिहड़े चंद माह तो बाद पैदा होण वाले ने, ओ किथे ने? ओ आलमे बतून च ने, मां दे पेट च ने। बाकी असीं इंसान दुनिया ते हां, ए आलमे दुनिया है। आलमे दुनिया दे विच इक होर आलमे, उनू कहिंदे ने आलमे रुया, ख्वाबां दा आलम। जो मेरे वर रहे आलमे बरजख यानी कब्र वाला आलम, कई इंसान इस वक्त कब्रां दे विच पै ने, मिट्टी दे ढांचे बने पै। फिर आलमे बरजख तो बाद एक आलम और आएगा, उन्हों कहिंदे ने आलमे हशर। आलमे हशर विच फिर फैसला होएगा, फिर फैसले तो बाद आखरी आलम होएगा आलमे जन्नत। कई बदनसीब जहन्नम च भी जान। तो ए टोटल किन्ने आलम हो गए? सत। सत ही बयान कर दिए। सुबह 7 बजे जान छुटू थी, ओ फिर कदी सही। एक एक बयान कर दे जावांगे इंशाल्लाह, लेकिन अज मैं एक ही आलम बयान करना है और उदा नाम है आलमे रुया, ख्वाबा दा आलम। ख्वाब दा इंसान दी जिंदगी नाल बड़ा गहरा ताल्लुक। ते ख्वाब बंदे नूं कदों हुंदा है? जदों बंदा सुत्ता हुंदा है। ख्वाब कदों हुंदा है? सुत्ता हुंदा। जिहड़ा बंदा सौ जांदा है वह नींद चला जांदा है, ते जिहड़ी नींद ए मौत दी छोटी बहन है। नींद की ए मौत दी छोटी बहन। अरबी दे विच नींद नू नौम कहिंदे ने। की कहिंदे ने? नौम। आ सुबह फजर टाइम बाबे नहीं अदाना च कहिंदे सलात ओ गैर मिन नौम। ये जिहड़ा नौम लफज है ना, ये ओ नींद है। ते नींद नू मैं मौत दी छोटी बहन मैं नहीं कहा, बल्कि इनू हदीस चो सानू इशारा मिलिया है। जदों बंदा सौण लगता है ना, तो जदों बंदा उठन लगता है, नबी करीम ने सौण की भी दुआ दसी है, तो उठ के जड़ी पढ़नी वह भी दसी। हुण जदों बंदा सौंदा है उदों की पढ़ता है? सौण लगे की पढ़ते हो भला? आउंदी जे दुआ कि नहीं आउंदी? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह बि इस्मिका तेरे नाम के साथ अमूतु मैं मर रहा हूँ, व अहया और फिर तेरे ही नाम और हुक्म के साथ जिंदा हूँगा। हालांकि उसे लफ्ज़ है चाहना चाहिए सी अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अनूमु या और जो इस तरह का लफ्ज़। नींद चो नौम चो निकलिया को लफ्ज़ आए नहीं आया, मौत का लफ्ज़ आया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु या अल्लाह मैं तेरे हुक्म नाल मरन लगा, ते फिर तेरे हुक्म नाल उठना है। ते फिर जब बंदा उठ पैंदा उहदे कहिंदा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे जिंदा किया मरने के बाद। नींद नहीं आखिया, मौत आखिया, तो पता लगा कि मौत नींद जड़ी है वो मौत दी छोटी। और बोलो भराओ, और बोलो भराओ, हाँ ए गल तो हम समझ अंदर आ गई।
हुण तुहानूं अगली गल समझ जरा तवज्जो रखना। मैं चाहना भी तुहानूं कोई नवीं गल दसी है। मां दा विछोड़ा, भैण दा विछोड़ा, अबे दा विछोड़ा सुना सुना असीं थके पए आ, सुन सुन तुसीं थके पए आ। ते कोई गल बंदा उह करे जिहड़ी कोई होर भी होवे कि उह मार्केट 'च ही उह मौजू रहणे नूं, मौजू बदलने भी चाहीदे। तवज्जो मेरे मोहतरम भाईओ, हुण जदों कोई बंदा सौं जांदा है, सिर्फ फर्क इन्ना ही है भी जदों बंदा सौ जाता उदों हर काम आरजी तौर पर छड़ दिंदा। आरजी तौर वेखना छड़ गया, बोलना छड़ गया, सुनना छड़ गया, ते खाना छड़ गया, ते पीना छड़ गया, ते पकड़ना छड़ गया, ते चलना छड़ गया। इतों मसला एक होर भी समझ आता है कि जदों को बंदा सौ जाए वो आरजी तौर पर बोलना भी छड़ जाता है, सुनना भी छड़ जाता है, वेखना सब कुछ छड़ जाता आरजी तौर। अच्छा जो आरजी तौर पर सब कुछ छड़ जाता है उदों ना वो मुश्किल कुशा बनता, ना हाजत रवा बनता, ना धियां देने वाला बनता, ना पुत्र देने वाला बनता। तो जो उंज ही हर शह ही छड़ देता उदो नाल ही उन्होंने लसेंस मिल जाता अज दरवाई का। यह गल समझ कोई नहीं आती। ये अजीब कीता है, या तो सानू समझाओ भी ये अजीब तमाशा है कि जो आरजी तौर पर सारा कुछ छड़िया है। कभी इंज भी हो पीर साहब सुते प्यों तो मुरीद खीर की भर के बिना कनाड़ी लिया के तो मूँह पा दे पीर साहब खा लो, तो कोल जे होर मुरीद बैठे हो कहणगे कमलिया सुता पाया, सुता पाया बंदा भी खाँदा। और जो सुता पिया नहीं खा सकता तो मुका पिया सारा कुछ की जाता। इस वास्ते पता लगा मुश्किल कुशाई हाजत रवाई धियां देना पुत्र देना एक इहदा काम है, अल्लाह का काम। मेरे मोहतरम भाई जो बंदा सौ जाता है उदो बंदे नूं ख्वाब आते हैं। की आते हैं ख्वाब दियां तीन किस्म, किन्नियां किस्म मैं तुहानूं मसला याद करा देना, जिन्ना जिन्ना कु बयान होया उन्हां तुहानूं पका देना इंशाअल्लाह। ख्वाब दियां तीन किस्म केड़ियां केड़ियां? पहला ख्वाब बंदे नूं इह आंदा है कि बंदा जो कुछ दिने करदा है, जिस गल ते बंदे दा दिमाग जोर फड़दा है ना, उही गल रात नूं ख्वाब बन जांदा। कोई एक्सीडेंट वेख लिया, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया। कई बंदे जड़े फ्रूट बेचते हैं ना उस उत्ते पे भी लगे होंगे ने, सेब 100 रुपये किलो, सौ सेर 100 रुपये किलो, उस उत्ते पे भी सेब ही बेच जाए। यानी जिहड़ा काम बंदा दिने दिमाग ते जोर दे के करे वो रात को ख्वाब बन जाता है। इस ख्वाब की तबीर कोई नहीं होंगी। दूसरा ख्वाब बाद दफा बंदा सौ जाता है तो शैतान बंदे ते हैवी हो जाता है, शैतान बंदे ते गलबा पा लैंदा है, फिर शैतान बंदे नूं डराण लग जाता है, डरन वाले नूं ख्वाब आन लग जाते हैं, वो ख्वाब दे विच डर जाता है, घबरा जाता है, उहदे वजन ते जिसम ते भार पैण लग जाता है। ये शैतानी वसवसा है, इहदी भी तबीर कोई नहीं होंदी, ये भी बगैर ताबीर तो हुंदा है। अलबत्ता बेख्वाबी का इलाज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दसिया कि बंदा वजू करके दोबारा लेट जाए, या बंदा जड़ी करवट ते लेटे आ करवट छड़ के दूसरी करवट ते हो जाए। आऊज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम पढ़ लै, ये बेख्वाबी का इलाज हो गया। तीसरा ख्वाब, कुछ ख्वाब बंदे नूं ऐसे आते हैं कि जेडे वाकईतन ताबीर वाले होंगे, तो जिहड़ा ख्वाब ताबीर वाला होंदा है अगों उहदियां फिर तीन किस्म। किन्नियां किस्म बोलो? तीन। टोटली तौर पर ख्वाब दियां तीन किस्म, जिन्हां दे विचों दो किस्म की तबीर कोई नहीं। जिस ख्वाब की तबीर होंदी है उहदियां अगों फिर तीन किस्म, वो किहड़ियां किहड़ियां किस्म ने बस उही तुहानूं दसणा है। इहदे जरा गौर करना, तवज्जो करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दा नाम आए, दरूद मोहब्बत नल, प्यार नल, जौक नल, शौक नल,
अदब नल पढ़ना ते सारियां पढ़ना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्माया न कर मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़ लगिया, घबराया न कर मेरे महबूब ते दरूद पढ़ लगिया। नाम बड़ा अल्लाह ते बड़ा मिठा है, अल्लाह अल्लाह मेरा कीदा ते मेरा ए महान है। कमली वाले दा नाम जदों जबान उत्ते आ जांदा है, मुंह विच खंड पै जांदी है, सीने विच ठंड पै जांदी है। अल्लाह 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 नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है, ओ दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। मेरा आका सब तू आला सब तू शान सवाया है, ओ जिसने जान दी बाजी लाके हर था हक पहुंचाया है। ओ चलदा जावे फर्श ते आवाज फलक तक पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। अल्लाह 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 तवज्जो करना दराओ मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नादरुण वाला। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाही बेशक जड़े अल्लाह दे वली ने। वली किन्नू कहा जांदा है? मैनू याद आए हजरत मौलाना कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्ला अलैह बड़ी सोहनी वंड कढ गए ने वली दी। फरमाया करदे सन वली दी अकल महफूज, वली दी अकल महफूज, वली दी नकल महफूज, वली दी शकल महफूज। की माना? वली दी अकल महफूज। वली ओ सोचदा है जो रब दा कुरान कहे, वली ओ सोचदा है जो मेरे पैगंबर दा फरमान कहे। वली अपनी अकल नू अल्लाह दे कुरान दे ताबे करदा है, वली अपनी अकल नू कमली वाले दे फरमान दे ताबे करदा है। लिहाजा पता लगा वली दी अकल महफूज है। अगे फरमांदे ने वली दी अकल महफूज अमजे दे नाल अलिफ दे नाल, एदा माना हुंदा है खाना। वली दा खाना महफूज है, वली दा पीना महफूज है। शराब पीण वाले अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, भंग पीण वाला अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, चरस दे सूटे लाण वाला अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, बीड़ी रखण वाला अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, नसवार खाण वाला अल्लाह दा वली नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सूद खाण वाला अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, रोकां दा हरा पकमाल खाण वाला अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, भैन
ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਲੀ ਦੀ ਅਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਬਲੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਲੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਲਬਾਂ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਲੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਲੀ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਡ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਰਫਲ ਯਦੈਨ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਨ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਲੀ ਦੀ ਅਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੀ ਅਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਵਣ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਦੱਸ ਰੱਬ ਦਾ ਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ 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 ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੰਗਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਬਲੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਲੀ ਤੇ ਕੁਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਜੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਜੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੰਗਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਬਲੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਲੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਹਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹਿ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਜਿਸ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਖੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਅੱਲਾ ਖੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਕਾਨੂ ਯਤਕੂਨ। ਇੰਜ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਹੁਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ, ਲਾਹੁਮੁਲ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਲਾਹੁਮੁਲ ਬੁਸ਼ਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ? ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਮੁਅੱਦਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੁਮੁਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਖਾਬ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਬ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਬ ਨੇ, ਪਾ ਮਾਨਾ ਖਾਬ ਨੇ, ਜ਼ੂ ਮਾਨਾ ਖਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ੀਵਾਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਨਬੂਅਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,
कयामत तक आसमान तो अल्लाह का नबी नहीं आएगा। जे नबी कोई नहीं आना तो जबरील ने भी पैगाम लैके नहीं आना, जबरील का आना भी बंद है, पैगंबर जनाब नबूवत का दरवाजा भी बंद है। अल्लाह पाक ने मैनू तुहानू आखिरी उम्मत बना दिता है, कुरान नू अल्लाह पाक ने आखिरी किताब बना दिता है, नबी पाक नू अल्लाह ने आखिरी नबी बना दिता है। साढ़े तो बाद उम्मत कोई नहीं, कुरान तो बाद किताब कोई नहीं, ते कमली वाले तो बाद नबी कोई नहीं। अल्लाह को अकबर लाओ, मेरे नबी ते नबूवत दा दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह वाला कहंदा है खत्मे नबूवत दा सालार आया, उची आखो सुभान अल्लाह, खत्मे नबूवत दा खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूहे नू है मार आया। हुण कयामत तक नवां नबी आ कोई नहीं सकदा, हुण कयामत तक नवां नबी आ कोई नहीं सकदा, मेरे आका दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अल्लाह को हुण कयामत तक नबी नहीं आना, जदो नबी नहीं आना फिर आसमान तो जबरील ने भी नहीं आना, जदो जबरील ने नहीं आना फिर आसमान तो अल्लाह का पैगाम भी नहीं आना, फिर आना की है? फरमाया फिर कयामत तक ख्वाब आने ने की आना, ओ बोलो यार। फरमाया अब ख्वाब आएंगे, अब अल्लाह ताला आसमान से कुछ पैगामात अपने बंदों को ख्वाब के जरिए देगा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह लिहाजा पता लगाओ ये जड़े सानू ख्वाब आंदे ने एवें नहीं आंदे, इन्हां ख्वाबां दा बड़ा माना हुंदा है। अल्लाह पाक इन्हां ख्वाबां दे अंदर सानू बड़ियां बड़ियां गल्लां दी खबर देंदे ने, बड़ियां बड़ियां बातां दी खबर सानू दित्ती जांदी है ख्वाबां दे अंदर। हज़रात तजी वकार जिस ख्वाब दा जनाब तबीर कर दित्ती जाए, उस ख्वाब दियां तीन किस्मां ने किहड़ियां किहड़ियां? कदी कदी बंदे नूं इंज दा ख्वाब अल्लाह वखांदे ने कि ख्वाब आ जांदा है, उस ख्वाब विच जिहड़ी खबर दित्ती जांदी है ना वह कईआं सालां तों बाद वाकई हुंदी है, यानी कईआं सालां तों बाद वाकई होण वाला वाकिआ। अल्लाह ताला उहदी खबर बंदे नूं ख्वाब दे ज़रिए दे देंदा है। इहदी दलील कित्थे वे? एदी दलील सूरह यूसुफ दे अंदर है। जनाब दे यूसुफ अलैहि सलातो सलाम अपने अब्बा जी दे कोल आए, आके की फरमांदे ने या अबाती इन्नी राई तू आहदा आशारा कहू कबा वशम्स वल कमर राई तू गुमली साजिदीन काला या तुनैया ना अकबर लाओ। सैयदना दरबते यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जी दे कोल आके बह गए, अर्ज करदे ने बाबा मैनू ख्वाब आया है, मैनू ख्वाब आया है। इत्थों ये भी मसला साबित होया कि बाप अगे बेटे नू कुछ लुकाउणा चाहीदा। बोलो बाप अगे कोई गल नहीं लुको, बच्चो निक्यो निक्यो तुसी भी गल याद कर लो। वो जवानो 18-18 साल जवानो, 15-15 13-13 12-12 साल दे जवानो, तुसी भी गल पल्ले नाल बन के लै जाओ। कोई गल अपनी माँ तो नहीं लुकाई दी, कोई गल अपने बाप तो नहीं लुकाई दी। अगर औलाद माँ बाप तो कोई गल लुका सकती हुंदी ते अल्लाह पाक बच्चे का सब
कुछ पाप दे अगे वादे ना कर दा अल्लाह आज तू साडे कोल लुकांदा फिरना है जदों निक्का से रब ने तेरा कुछ भी साडे कोल नहीं लुकाया आज तू मां तो लुकांदा फिरना है जदों छोटा से अल्लाह पाक ने तेरा कुछ भी तेरी मां तो नहीं लुकाया क्यों नहीं लुकाया अल्लाह दसना चाहते नहीं मां बाप तो कुछ नहीं लुकाई दा मां बाप तो कुछ नहीं छुपाई दा कल्ले हो के कुछ नहीं करी दा गलती हो वे भी मां बाप नू दसिया कर काम चंगा हो जावे वो भी मां बाप नू दसिया कर कोई तेरे को मिस्टेक हो जाए अपने मां बाप दे अगे जाहर करया करना अल्लाह को अकबर अल्लाह क्योंकि किसी और अगे जिक्र करेगा तमाशा बनान गे मां बाप अगे करेगा मां बाप तेरी सलाह कर देंगे मां बाप तेरा ख्याल कर देंगे तो गल्ला पल्ले नाल बन लै ना मां बाप तो कुछ लुकदा है ना अल्लाह तो कुछ लुकदा है अल्लाह को अकबर अल्लाह ते अल्लाह पाक ने दो हस्तियां जिदियां बनाईया मां बाप भी माफ कर देंदे ने अर्श वाला रब भी माफ कर देंदा है अल्लाह मां बाप भी परदे पा देंदे ने अर्श वाला रब भी परदे पा देंदा है अल्लाह अल्लाह एक गुना मेरा मां प्यो वेखे अते देवे देश निकाला एक गुना मेरा मां प्यो वेखे अते देवे देश निकाला लख गुना मेरा अल्लाह देखे प्यो परदे पावन वाला अल्लाह को अकबर अल्लाह हुण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जिहड़ा ख्वाब आया फरमाते बाबा मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारे चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं अब ये ख्वाब में जो खबर दी गई है ये कब पूरी हुई 40 साल बाद पूरी हुई यानी जो काम 40 साल बाद होना था अल्लाह पाक ने उसकी खबर 40 साल पहले ख्वाब के जरिए दे दी लिहाजा पता चला कुछ ख्वाब हमें ऐसे आते हैं कि जिनमें अल्लाह पाक कई साल के बाद होने वाले वाक्य की खबर देता है अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना डराओ ख्वाब दी दूसरी किस्म कदी कदी अल्लाह पाक इंजदा ख्वाब बंदे नु बखांदे ने इधरो ख्वाब आ जांदा है उधरो नाल ही कम वाकई हो जांदा है यानी चंद दिनां दे अंदर जिहड़ा कम वाकई होना हुंदा होवे अल्लाह पाक ख्वाब अंदरों दी खबर दे देंदे ने इहदी दलील किथे वे इहदी दलील भी सूरा यूसुफ अंदर है जनाब दे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल अंदर गए अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया वदखल माहु सिजन फतयान काल अहदुहुमा इन्नी अरानी असिरु खमरा वकाल लआखर इन्नी अरा احمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويلي إنا نراك من المحسنين अल्लाह को अकबर अल्लाह जनाब दे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल दो बंदे जेल विच दाखल होए आके कहंदे ने यूसुफ जी एक बंदा कहंदा मैं ख्वाब वेखिया है ख्वाब अंदर मैं फ्रूटां दा जूस पिया नचोड़ना वा रस पिया नचोड़ना वा दूसरा कहंदा मैं ख्वाब वेखिया है मेरे सिर ते छाबड़ा रोटियां वाला उत्तों परिंदे रोटियां चकदे पए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुहानू तुहाडे दोवां ख्वाबां दी तबीर बयान करांगा लेकिन उदों तक करांगा जदों तक जेल विच जिहड़ा खाणा आपां नूं खाण नूं मिलदा है जदों तक खाणा आ नहीं जांदा उदों तक तुहानू इंतजार करना पैगा पता लगा ख्वाब दी तबीर फौरन नहीं कर देनी चाहीदी बल्कि ख्वाब दी तबीर लई बंदे नूं वक्त लैणा चाहीदा है मुआबर नूं चाहीदा गौर करे समझ सोच के ख्वाब दी तबीर करे पूरी ध्यान ख्वाब दी तबीर करे एवं चलामी तबीर नहीं सुट देनी चाहिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन तबीर नहीं की थी।
बल्कि कुछ वक्त ले आओ। वक्त लैण तो बाद ख्वाब की तबीर बयान की, जो ख्वाब की तबीर पूछण आए ना ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह यार ख्वाब की तबीर ते मैं तुहानू दस ही देनी है, एक होर ना गल तुहानू दस देवा। वह कहिंदे ने ओह किहड़ी गल है, ते जनाब दे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने या साहिबा यस्जिनी अरबाब मुतफरिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ओ मेरे जेल दे बेलियो, ओ मेरे जेल दे साथियो, ओ मेरे जेल दे मित्रो, ओ मेरे जेल दे संगियो, एक मैनू गल दसो ना, कल्ला एक रब चंगा है या बहुते सारे रब चंगे ने? आ धियां देंदा है, आ पुत्र देंदा है, आ बारिश पांदा है, आ नफा करदा है, आ नुकसान करदा है, आ बिगड़ी बनांदा है, ये सारे बखरे बखरे चंगे ने या इको अल्लाह चंगा है, इको दाता चंगा है? असी भी दावत देने आ, किधर किधर लगे फिर दियो पीरो। आ बाबा धियां देने वाला, आ बाबा पुत्र देने वाला, आ बाबा मुश्किल कुशाई वाला, आ बाबा हाजत दरवाई वाला। इंदा नाम दाता है, ओदा नाम लजपाल है, ओदा नाम गरीब नवाज है, ओदा नाम चट्ठा नवाज है, ओदा नाम चीमा नवाज है, ओदा नाम शकरगंज है। वीर जी कदर सारिया की है, इज्जत सारिया की है, एहतराम सारिया का है, कदर सारिया की है। पाक पतन वाले बदरुग काबले इज्जत में सलूट करा, फालहार वाले बदरुग काबले इज्जत में सलाम करा। हर बदरुग इज्जत वाला, हर बदरुग शान वाला, लेकिन गल सच्ची ते खरी है वे, दाता भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, लजपाल भी अल्लाह, गौसे आदम भी अल्लाह, अला कुल्ले शहीन कदीर भी अल्लाह, पूरी कायनात नु खिलान वाला भी अल्लाह, पूरी कायनात दा हाजत रबा भी अल्लाह, पूरी कायनात दा मुश्किल कुशा भी अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह, इको अल्लाह, कोई दूसरा हो सकता? अल्लाह अल्लाह। शारग तो नेड़े अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। सोचिया कुछ सुभान अल्लाह, लेने देने मुकदरा दे सुभान अल्लाह ते कही जाओ है। शारग तो नेड़े अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। शारग तो नेड़े अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। खालिक मालिक राज़िक जगदा, उस दी शान बुलंद है, दुनिया दा दर्रा दर्रा ओदी मुठी दे विच बंद है, दुनिया दा दर्रा दर्रा ओदी मुठी दे विच बंद है। असी साजदियों मसजूदे, असी साजदियों मसजूदे, असी आपदियों माबूदे, असी आपदियों माबूदे, साडा उस बिन कोई नहीं वल्ला, सानू समझी ना तू कल्ला। शारग तो नेड़े अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, साडी अल्लाह नाल परी ते साडा मसलक अहले हदीस है, साडी अल्लाह नाल परी ते साडी अल्लाह नाल परी ते साडा मसलक अहले हदीस है, साडा मसलक अहले हदीस। निशाय अल्लाह जीते, साडी निशाय अल्लाह जीते, साडा विरद है हसबू नल्ला, सानू समझी ना तू कल्ला। अल्लाह खुआ अकबर अल्लाह। पहले जनाब दे इब्राहिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौहीद सुनाई, ते बाद अंदर ख्वाब दी तबीर बयान कर दिती। पर मैं जेड़े बंदे ने वेखी है जूस नचोड़दा पिया है, वो जनाब बादशाह दा खादमे खास बनेगा, ते जिदे सिर ते रोटियां ने उसूली चढ़ जाएगा। हजरत ते दीवाकार जेल चो निकल दे गए, नाड़ी तबीर हो गई, एक खादमे खास बन गया, एक उसूली ते चढ़ा दिता गया। लिहाजा पता लगा
कदी कदी अल्लाह पाक इंज दा ख्वाब वखांदे ने जिहड़ी खबर नाल ही वाकई होण वाली हुंदी है। ते ख्वाब दी तीसरी किस्म कदी कदी अल्लाह पाक बंदे नूं इंज दा ख्वाब वखा दिंदे ने उस ख्वाब दे अंदर अल्लाह पाक किसे जनाब कम दे वाकई होण दी खबर दिंदे ने और फिर उस कम दा हल भी विच ही बयान कर दिंदे ने। इहदी दलील किथे वे? इहदी दलील भी सूरा यूसुफ दे अंदर है। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम जेल दे अंदर वक्त दे बादशाह नूं ख्वाब आया। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, कुरान कहंदा वकाल अल मलिक इन्नी अरा सबअ बकरातिन समानिया अकुलुहुन्ना सबउन इजाफन व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात। बादशाह ने ख्वाब देखिया सात सिटे मोटे मोटे हरे हरे ते सात सिटे सुके सुके सात गाइयां मोटियां मोटियां ते सात गाइयां लिसियां 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 गाइयां तगड़ियां ते गालिब आ गईयां और जनाब सुके सिटे हरे सिटियां ते गालिब आ गए। बादशाह परेशान हो गया और उन्हें आख्या अपने जिन्हें खाण वाले सन हलवे खीरा ते मांडे मुंडे खाण वाले सारे कट्ठे कर ले आ जाओ बई बड़िया खीरा ते हलवे खा ले ख्वाब की तबीर बयान करो। वो सुन के कहते ने एदी तबीर ते हो ही नहीं सकती ए ते एवें जा ख्वाब एदी कादी तबीर है। अब पता लगा ये कई जनाब एवें वेलियां ही खीरा खाण वाले होंदे ने उन्हां नूं अता पता कुछ नहीं हुंदा ते कई समझदार हुंदे। एक बादशाह नूं ख्वाब आया उन्हें ख्वाब अंदर वेख्या कुछ सारे दंद टुट गए इधर लगा सारे दंद देख दे एक फिर एंड ते डन हो गए। उन्हें सुबह कट्ठे कर ले मोबर हाँ भी आ जाओ भाई इधर तबीर बयान करो मेरे सारे दंद डिग पे एक दंद फिर पहले खड़ा रहा दंद फिर भी गिर गया तबीर की है। हुण कई तबीरदान समझदार होंदे ने ते कई कई एवें होंदे ने। हुण एक तबीरदान हाँ भाई दस तबीर की? उन्हें आख्या तबीरे वे बादशाह सलामत तेरे खानदान दे सारे बंदे मर जाने ने ते तू भी मर जाना है। उन्हें आख्या अच्छा इन्हू लम्या पा भाई ते ए वड्डा तबीरदान रहिंदा है और दूसरे नूं बुला। उन्हें आख्या हाँ जी दसो। उन्हें दिल च सोचा भी तबीर ते ही बनदी है लेकिन इन्हू मैं दसा किवें कु तरीका वरता। उन्हें आख्या बादशाह सलामत इहदी तबीर बड़ी चंगी है। उन्हें आख्या अच्छा की तबीर? उन्हें आख्या एदी तबीर वे कि अल्लाह पाक तुहानू तुहाडे खानदान दे सारे बंदियां चो सब तो लंबी उम्र अता करेगा। हुण जे सोचिया जाए तो गल होई उन्हें की आख्या जी भी सारे पहले मरणगे ते आंडे ते तू मर जाएगा ते इन्हें की आख्या अल्लाह पाक तुहानू तुहाडे खानदान दे सारे बंदियां विचों सब तो लंबी उम्र अता करेगा। गल ही कोई लेकिन भी ओहदा दर अंदाज होर सी एदा होर सी ओहदा अंदाज गर्म सी एदा अंदाज नरम है ओहदा अंदाज गर्म सी एदा नरम है नतीजा नरम निकलिया ओहदा गर्म सी ते नतीजा गर्मा गर्म निकलिया गर्मा गर्म निकलिया। अल्लाह 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 ख्वाब दी तबीर भी समझदारी नाल करनी चाहिए ना। अल्लाह खुआ अकबर अल्लाह कहन लगे दी कोई तबीर नहीं बनदी बना दी। अल्लाह अल्लाह त्यो बंदा जिहड़ा ख्वाब अंदर हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम कोलो ख्वाब पुछिया ते खादमे खाद बनया उन्हूं याद हो एक यूसुफ नामी बंदा जेल दे अंदर ख्वाबां दी बड़ी प्यारी तबीर करदा है। वो गया जेल दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं ख्वाब दस्या आपने ख्वाब दी तबीर बयान की नाल फरमाया सत साल पहले तगड़े आणगे फिर सत साल माड़े आणगे जेडे सत साल चंगे आणगे ना उन्हां दे अंदर जोड़ लिया जे जोड़ लिया जे जमा कर लिया जे गल्ला जिहड़ा अगले सालां दे विच कम आ जाए। अल्लाह हु अकबर अल्लाह हज़रात ज़ीवाकार वाकिया बयान करना मकसूद नहीं तुहानूं दसणा मकसूद है यानी वह ख्वाब है जिहदे अंदर अल्लाह पाक ने ख्वाब दे विच दस दिता नाले आण वाला वाकया भी दस दिता हफ्ते आने वाली मुसीबत का हल भी दस दिता। हज़रात ज़ीवाकार हुण अपनी जिंदगी दे तुसी भी ख्वाबां ते गौर करो खांदरा तुहानूं ख्वाब आउंदे ने ते किवें दे आउंदे ने हर ख्वाब ते गौर करना चाहिदा है। ख्वाब नूं आम ना समझिया करो ख्वाब दा इस्लाम दे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। किड्डा गहरा ताल्लुक है जान दो जिहड़ा दीन साडे कोल मौजूद है ना दीन
दीन मुहम्मदी इस दीन दा कादी खाबा तो होया है। नबी पाक सलातो सलाम फरमांदे ने मैनू सब तो पहला वही नहीं आ कर दी सी, सब तो पहला अल्लाह पाक मैनू ख्वाब वखा कर दे सन, खाबा तो बाद वही दा सिलसिला शुरू होया, यानी मेरे पैगंबर नू सब तो पहला ख्वाब आए। अल्लाह को अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा, नहीं समझ आई थोड़ा जाओ अगे चलिए, जड़ी पांच वक्त अदान अपनी मस्जिद अंदर होंगी ना, यह अदान कितों आई है, यह अदान ख्वाब के जरिए सानू सिखाई गई है। एक सहाबी नू ख्वाब आया, उसने ख्वाब अंदर देखा, एक फरिश्ता अदान कह रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उन्हें मेरे पैगंबर दे ज्ञान के बयान कर दिता। मेरे पैगंबर ने नबूवत दा ठप्पा ला के क़यामत दियां कंधां तक अदान करार दिता। हज़रत जीवकार नहीं समझ आई, थोड़ा जा होर अगे चलिए, हज़रत जीवकार खाबा का एडा गहरा तालुक है, जिहड़ी कुरबानी असीं कुछ दिनों तो बाद करनी है ना, एक कुरबानी भी ख्वाब का ही नतीजा है ना। सैयद नादरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं ख्वाब आया, ख्वाब अंदर की वेखिया, या बुनैया, गल सुनो, या बुनैया, या बुनैया, या बुनैया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अदबहु فانظر ماذا ترى قال يا بت فعل ما تؤمر قال يا साबिरीन। अल्लाह अकबर अल्लाह, बेटा मैं ख्वाब वेखे आए, ख्वाब अंदर मैं तेरी गर्दन ते छुरी चलांदा पिया वा, सजादा दे बासी आओ है कु बंदा इस मजलस दे अंदर इंज दाओ कि जेदे कोलो दे अब्बे ने 500 रुपया मंगया होवे ते उन्हें अब्बे नू आनियां कढ़ के बखाइया होण, है कु तुहाडे विच इंज दा बंदा बैठा हो कि जिस बंदे नू जनाब उहदे वालिद ने आख्या होवे बेटा मैनू 1000 रुपया दे दे, ते अगों अपने अब्बे नू लड़न लग पिया होवे, जे तुहाडे विच को बैठा है ते नोट कर लवे, जे जे नहीं बैठा पिंड च को रहिंदा है मेरा पैगाम उहदे तक पहुंचा दिया जे, ते जे कोई दुनिया ते बैठा है रिकॉर्डिंग दे जरिए मेरा पैगाम उहदे तक पहुंचा दिया जे, अज अब्बा तेरे कोलो 100 मंगे आनियां कढ़ना है, अब्बा 500 मंगे अखां कढ़ना है, अब्बा 1000 मंगे गल्ला करना है, ओए कबड़िया तू कादा पुत्तर है, तू कादा फरमा बरदार है, मैं सदके जावां जनाब दे इस्माइल तो, ओए पुत्र ने बाप ने पुत्र कोलो की मंगया, 500 मंगया ना ना, ओए बाप ने पुत्र को की मंगया, 1000 मंगया ना ना, बल्कि बाप ने पुत्र तो मंगीए ते ओदी जान मंग लईए, जान मंग लईए, बेटा मैनू 1000 नहीं चाहिदा, बेटा मैनू करोड़ नहीं चाहिदा, बेटा मैनू तेरी जान चाहिदी है ना, पुत्र मैनू जान दे अपनी, पुत्र मैनू अपनी जान दे दे, कुर्बान जावां, कित्थे ओ कॉलेज पढ़ियो, उधर इधर वेखो, ओ यूनिवर्सिटी दे ओ फारग इधर वेखो, ओ उधर वेखो, कुर्बान जावां मैं जिहदे बच्चे दे कोलो, कि जिस बच्चे ने जान देण लग्गिया ना नहीं कीती, फरमांदे ने सता जी दुनी इंशाअल्लाह, अब्बा जी अल्लाह ने चाहया ते मैं सबर करने वाला होवांगा। हजरत इमाम इब्ने कसीर लिखदे ने ते कमाल कर देंदे ने, फरमांदे ने जनाब इब्राहिम ते जनाब इस्माइल चल पे पहुंचे मकामे मीना दे अंदर, ते जदों छुरी तेज करके गर्दन ते चलान लगे ना, ते जनाब इस्माइल रोक कहंदे ने बाबा 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 मैनू सीधा नहीं लिटाणा, मैनू उल्टा लिटाना है, मेरा चेहरा निचले पासे कर देना है, बेटा इहदी वजह की है, फरमाया अब्बा जदों मेरी गर्दन ते छुरी चलाओगे ना खून निकलेगा, खून दा फुहारा निकलेगा, खून तुहाडे कपड़िआं ते डुल जाएगा, उल्टा करके लिटाओ ना ता
के खून दा फुहारा निकले, खून जमीन ते डिगे, मेरे अब्बे दे कपड़िया ते ना डिगे, मेरे अब्बे दे कपड़े ना खराब हो जान, मेरे अब्बे दी दस्तार खराब ना हो जाए, मेरे अब्बे दी कमीज खराब ना हो जाए। कुर्बान दा मंज दे बेटे तो, कुर्बान दा मंज दे लखते जिगर तो, किथे चले गए ने ओ बेटे, अज तेरा बाप टुटी जुत्ती पा के फिर दाए, अज तेरा बाप पीठ दे दिहाड़े सिर दी दर्द नाल फिर दाए, अज तेरी अम्मी टुटी जुत्ती पहन के फिर दिए, तू कादा मुसलमान है ते कादा कमली वाले दा दीवाना है, लख दा बकरा करना तेनू याद रह गया, कुर्बानी याद रह गई ते कुर्बानी दा दर्स तेनू क्यों भुल गया, जुर्द गर्दन ते छुरी चलाना तेनू याद रह गया, ये क्यों भुल गया कि छुरी चलाण तो पहला गल्ला केड़ियां होईयां सन, गल्ला केड़ियां होईयां सन। अल्ला ला ला होवे अब तैयार दोनों बाप और बेटा, होवे अब तैयार दोनों बाप और बेटा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ हुलकूम पर रखा, हुवे जिब्राइल नादिल के थामा हाथ हजरत का, के बस इम्तिहान मकसूद था ईसार जुर्रत का, फलम्मा असलमा 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 फलम्मा असलमा वतल्लहू लिल जबीर वनादैनाहू अय्या इब्राहीम कद सद्दक्तर रुइया कद सद्दक्तर रुइया इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन कद सद्दक्तर रुइया इब्राहीम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये कुर्बानी क्या है? ये ख्वाब है नबी का। पता लगा इस्लाम के साथ बड़ा गहरा कॉन्टेक्ट है ख्वाब का। ये ख्वाब नाल साडी जिंदगी दा भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिंदगी दे अंदर होने वाले वाकियात दियां खबरां अल्लाह ताला ख्वाब दे जरिए देंदा रहिंदा है। बहुत सारियां खबरां अल्लाह पाक सानू ख्वाब दे जरिए देंदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मैं मदीने तो बाहर किसी काम की गर्द नाल जाना चाहुंदा सां, लेकिन मेरा शौक ए सी मैनू मौत आए ते मदीने दे विच आवे, लेकिन मैनू डर लगदा सी मैं मदीने तो बाहर किसी काम दे सिलसिले च जावां ते उत्थे किते मर ना जावां, क्योंकि मैं ते मदीने मरना चाहता सां। फरमांदे ने बस इसी कशमकश दी अंदर मदीनों निकला के ना निकला, मदीनों बाहर जावां के ना जावां। फरमांदे ने एक दिन मैं सुता पिया वां ते ख्वाब आया, ख्वाब अंदर अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी ज़ियारत हो गई, ते मैं अर्ज की महबूब मैनूं दसो ते सही ना मेरी मौत किथे वाकई होएगी, मैं मरना किथे वे, मैं मदीने तो बाहर जाना चाहना वां ते मैं किते मेरी मौत ना वाकई हो जाए मदीने तो बाहर, मैनूं दसो ना मेरी मौत किते वाकई होएगी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, नबी पाक ने करके इशारा फरमाया, इंज इशारा फरमाया, ख्वाब मुक गया मैनूं जाग आ गई। फरमांदे ने मैं अपना हाथ पकड़ के बह गया, कि मुराद दे दे कौन जो अल्लाह दे पैगंबर ने करके इशारा फरमाया। फरमांदे ने इन्हां दिनों दे अंदर मदीने पाक अंदर हजरत इमाम इबने सिरीन आए। इमाम इबने सिरीन ख्वाबां दी तबीर दे बहुत बड़े इमाम ने, आज भी आपको मार्केट में सबसे बड़ी ख्वाबों की तबीर पर मबनी अगर किताब मिलेगी तो हजरत इमाम इबन सिरीन की मिलेगी, जिसका नाम ख्वाबों की तबीर तबीर और रोया है। हजरत इमाम इबन सिरीन आए, अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैं अपने नौकर नु भेज आओ, जा जा के ख्वाब की तबीर पूछ गया। ख्वाब आया बंदे किसी नु, उन्हें अल्लाह दे नबी को पूछया कि मौत कदों आएगी, अल्लाह दे नबी ने गुंज करके हाथ दा इशारा कर दिता, दसोना दी तबीर क्या है। जनाब गुलाम गया, हजरत इमाम इबन सिरीन अगे जाके ख्वाब बयान किया। हजरत इमाम इबन सिरीन फरमाते ने, ये ख्वाब किन्नू आया है? वो कहंदा जी मैं दस नहीं सकता किन्नू आया है। फरमाया जे तू ये नहीं दसना किन्नू आया है, मैं तेनू तबीर ही नहीं दसनी, मैं नहीं दसनी तेनू ख्वाब दी तबीर, पहले दस ना ख्वाब किन्नू आया है, क्योंकि ख्वाब आम बंदे नू नहीं आ सकता, ये ख्वाब किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे नू आया है। गुलाम वापस आया, आके कहन लगा, इमाम जी हजरत इमाम इबन सिरीन से ख्वाब की तबीर बयान नहीं करना चाहते,
फरमाते ने पहले बंदे का नाम दसो, मजबूरन नाम दसना पियाओ। गुलाम आकर करदा है जे ख्वाब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्ला अलैह नु आया है। फरमाया हाँ हाँ हुण गल सही है, एवें नहीं सी मैं कहिंदा, ये ख्वाब किसी आम बंदे नु नहीं आ सकदा। एदी तबीर है वे जद हजरत इमाम मालिक रहमतुल्ला अलैह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम कोलो पुछिया मेरी मौत कित्थे वाकई होएगी, अल्लाह दे नबी ने जी करके इशारा कर दिता है। एदा माना है वे मालिक पंजा गल्लां दा इलम अल्लाह तो इलावा किसी कोल कोई नहीं। अल्लाह जानदा है कौन कित्थे मरेगा ते कदों मरेगा। अल्लाह जानदा है बारिश पैण वाली नफा बख्श होएगी कि नुकसान बख्श होएगी, किन्नी देर चलेगी ते किन्नी देर नहीं चलेगी। अल्लाह जानदा मां दे बतन में जिहड़ा बच्चा है नेक बनेगा के बद बनेगा, जिंदा रहेगा या मर जाएगा, मां दे बतन चो बाहर भी आएगा या उत्थे डेथ हो जाएगी। अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा कयामत कदों वाकई होएगी। अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा कल मैं की करांगा, कल बंदा की करेगा, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा। ये पांच चीज़ां गैब दा इलम ने जो सूरा लुकमान दे अंडे ते आंदियां ने, इन्हां पांचां चीज़ां दा इलम अल्लाह तो इलावा किसी कोल कोई नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने जद जदों ये सुबह होनी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाना हाँ भी किसी बंदे ने ख्वाब वेख्या ते बयान करो ना, लोग अल्लाह दे नबी दे सामने ख्वाब बयान करना। नबी पाक ने तबीर बयान कर देने मैनू बड़ा शौक होवे, मैनू क्यों नहीं ख्वाब आंदा, मैनू भी को ख्वाब आए, मैं भी अल्लाह दे नबी दे सामने ख्वाब बयान करा। अल्लाह दे नबी ओदी तबीर फरमा देन। फरमाते ने फिर एक दिन मैनू ख्वाब आई गया, मैं सुत्ता पिया वा, ख्वाब आया, ख्वाब अंदर मैं की वेखिया है, दो फरिश्तिया मैनु चुक लिया है, जहन्नम वल लैके जा रहे ने, जहन्नम वल लैके जा रहे ने। पर मादर जो जाग आई ना तो मैं हैरान होया, वो जे आया ही है तो चंगा ख्वाब आया। मैं तो कई साल रोंदा भी चलो ख्वाब आवे, तो जे अज आया ही है तो इन्ना अजीब ख्वाब है, जहन्नम वल लैके। पर मादर ने दो फरिश्तिया मैनु पकड़ लिया है, वो मैनु जहन्नम वल लैके जा रहे ने, जहन्नम वल लैके जा रहे ने। जो जहन्नम के किनारे ते पहुंचे कोर फरिश्ता आया, उन्हें आके आख्या है जहन्नम वालियां विचों नहीं है जन्नत वालियां विचों है। वो फिर मैनू वापस जन्नत वाल लै गए, मेरी अख खुल गई। मैं अपनी खाला मोहतरमा नू फरमाया, उन्हां दी खाला नबी पाक दी जौजा ने, उन्हां दी खाला दा नाम सैयदा मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा। इस रिश्ते दे मुताबिक नबी पाक जनाब इब्ने अब्बास दे खालू लगे। मैं अर्ज कीती मैं ऐ मेरी खाला अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलाम अगे ख्वाब बयान करना, मैं ख्वाब इंज दा वेख्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने सैयदा मैमूना ने ख्वाब बयान कीता। नबी पाक फरमाते ने ख्वाब किन्नू आया है, ते मैं सैयदा मैमूना अर्ज कर दिया ने महबूबा ख्वाब जिहड़ा है वो इब्ने अब्बास नू आया है, अब्दुल्ला बिन अब्बास नू आया है। ते नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते ने अब्दुल्ला बिन अब्बास बंदा बड़ा चंगा है लेकिन रात की नमाज नहीं पढ़दा। ख्वाब अंदर इनू रात की नमाज की तलकीन की गई है। फरमाते ने लोग मैनू अल्लाह की कसम है जिस दिन इस ख्वाब की तबीर नबी पाक ने दस दी है फिर दोबारा मैं कभी जिंदगी दे विच रात की नमाज नहीं छड़े, मैं कयामुल लैल दा इत्तमाम नहीं छड़िया, मैं तहज्जुद दा इत्तमाम नहीं छड़िया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह किड्डा गहरा ताल्लुक है बंदे की जिंदगी दे नाल ख्वाब दा। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयो तुहानू भी ख्वाब आवे तुहानू आम नहीं समझना, आम बंदे अगे भी बयान नहीं करना, हर बंदे अगे भी जिक्र नहीं करना। जिवें हजरत यूसुफ ने आम बंदे अगे बयान नहीं किया, अपने बाप अगे बयान किया, ते बाप उन्हां दा वक्त दा नबी है, वक्त दा नबी अपने दौर दा सब तो बड़ा आलिम होया करदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने उस तो बाद मैं कदी भी रात दी नमाज छड़ी। बोलो असी रात दा जलसा कोई नहीं छड़दे, नमाजा सारिया ही छड़ने हैं,
है रात दा जलसा सी जान नहीं दें दे ते नमाज पढ़ दे कोई नहीं ना ना जलसा सुन ते पवे ना सुन नमाज पढ़िया कर अल्लाह वक्त दे दे वे ते तहज्जुदी पढ़ पवे दो रकत पढ़िया कर लेकिन नमाज दे तहज्जुद दा तमाम करिया कर जाग वीरा जाग वेला सरगी दा उठ के कम तू कर ले रब दी मर्जी दा ओ जेड़ा बंदा उस दे दर उते आंदा है मेरा अल्लाह उस दे करम कमांदा है कदर करदा है कदर करदा है अल्लाह उस दी अर्जी दा उठ के कम तू कर ले रब दी मर्जी दा अल्लाह 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 मेरी गर तुसा दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नादरण वाला कुरान है फरमाया आऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन औदिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ذلك هو الفوز العظيم अल्लाह पाक दी बार का अंदर दुआ है मैं जो कुछ बयान किया है अल्लाह अमल दी तौफीक दे वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दी दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दी कदी जाके देखो कदी जाके देखो क्या बात है मक्के दी दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दी दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दी कदी जाके देखो कदी जाके देखो क्या बात है मक्के दी दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दी जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है उस वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है उस वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है उस वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है सानू भी दिखा दे मौला सानू भी दिखा दे पर सात तू मक्के दे दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दे कदी जाके वेखो ओ कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दे दिन खोलो बद लोको रात है मक्के दे मदरसा इस्लामिक सेंटर लैलपुर सीडी सेंटर ये आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग कर चुके ने इन्हां दे चैनल दा विजिट भी तुसी कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह दुआई कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما بے اولاداں نوں نیک نرینا صالح اولاد عطا فرما جنہاں نوں اولاد دتی اے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اس مسجد نوں اے دے خطیب نوں امام نوں معاملین نوں منتظمین نوں بانیاں نوں ساڈے اج دے میزبان نوں کھانا پکان والے بھائی نوں اللہ سب نوں برکت عطا فرمائے
या अल्लाह जो सुनिया सुनाया है अमल दी तौफीक अता फरमा। अगर कोई कमी कोताही रह गई होवे अपनी रहमत नाल दरगुजर फरमा। वतने अजीज नूं दहशतगर्दी तो महफूज फरमा। वतने अजीज दीआं सरहदां ते खड़े होण वाले फौजी जवानां दे कदमां नूं मजबूत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन।